स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागनी पांडे। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप को देखकर अमेरिका की एक कंपनी ने चीन सरकार पर 20 ट्रिलियन डॉलर हर्जाने का मुकदमा ठोका है। कंपनी का आरोप है कि चीन ने वायरस का प्रसार कर जैविक हथियार के रूप में किया है। अमेरिका के टेक्सास की कंपनी बस फोटोज, वकील लारी क्लेमैन और संस्था फ्रीडम वॉच ने मिलकर चीन सरकार, चीनी सेना, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शी झेंगली और चीनी सेना के मेजर जनरल चेन वेई के खिलाफ ये मुकदमा किया है। मुकदमा करने वालों का दावा है कि चीनी प्रशासन एक जैविक हथियार तैयार कर रहा था, इसकी वजह से ये वायरस फैला है। इस कारण उन्होंने 20 ट्रिलियन डॉलर का हर्जाना मांगा है। इतना चीन का कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन ने वास्तव में अमेरिकी नागरिकों को मारने और बीमार करने की साजिश रची है। मुकदमे में आरोप है कि वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा ये वायरस जानबूझकर छोड़ा गया है। चीन ने कोरोना वायरस का निर्माण दुनिया में बड़े पैमाने पर जनसंहार के लिए किया है। मुकदमे में कहा गया है कि जैविक हथियारों को 1925 में ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और इन्हें जनसंहार के आतंकी हथियार के रूप में देखा जा सकता है। मीडिया में आई कई खबरों का भी हवाला देकर कहा है कि चीन में केवल एक माइक्रोबायोलॉजी लैब वुहान में है जो नोबल कोरोना जैसे अत्याधुनिक वायरस से निपट सकती है। चीन में कोरोना वायरस के बारे में इसके बयानों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर छिपाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे आज की।